Hey everyone, I'm back with week 6 plan and thank you so much for sharing your wonderful results. I'm so happy that so many of you have lost approximately 4 to 5 kgs and some of you have lost even up to 6 kgs also. It is really good to see your dedication. Thank you so much that you have shown so much trust in me और आपने इस प्लान को इतना religiously follow किया. और जो लोग इस प्लान को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाए तो प्लीज़ आपने जहां स्टॉप किया है वहीं से कंटिन्यू करिए, आपको भी डेफिनेटली रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे. और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आज फिर से लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी. आप प्लीज़ शेयर करिए अपने रिजल्ट्स को, भले कम हुआ है नहीं हुआ जो भी है, बट प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें क्योंकि हम सबको अपने उस गोल तक पहुंचना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद अ वीक 6 प्लान. एज यूजुअल वी आर गोइंग टू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग 13:11 विंडो. हमें अब मॉर्निंग में उठ के करना है अपना वेट चेक. देन वी हैव टू स्टार्ट आवर डे विथ 1 to 2 ग्लासेस ऑफ नॉर्मल वाटर, जिसके बाद हम लेंगे हमारी फैट कटर ड्रिंक्स जिसमें है 3 ऑप्शंस. लास्ट वीडियो में चेक जरूर कर लेना. डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट 8000 स्टेप्स पूरे दिन में, आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं. फर्स्ट मील आती है हमारी 9 AM पे, सोक्ड आमंड्स एंड वॉलनट्स. एंड नाउ इज द टर्न फॉर ब्रेकफास्ट दैट इज एट 9:30 AM. हम मंडे किक स्टार्ट करेंगे मूंग स्प्राउट सैलेड से जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है. डू चेक द रेसिपी. फिर डे 2 पे हम लेंगे 3 to 4 पीसेस ऑफ बेसन ढोकला, इसकी रेसिपी भी चेकआउट कर लेना. देन वी हैव ओट्स चीला विथ ग्रीन चटनी. डे 4 विल बी हंग कट वेजिटेबल सैंडविच, इसकी भी रेसिपी यू कैन चेक इट आउट, बहुत ही यमी है. डे 5 है वेज सूजी अपम्स, चटनी के साथ या इडली भी आप ले सकते हैं. डे 6 पे आप लेंगे पनीर पराठा चटनी के साथ. और डे 7 पे होगा अपना वेजिटेबल उपमा. एंड यू कैन एंजॉय योर ब्रेकफास्ट विथ योर टी और कॉफी बट विदाउट शुगर. एंड नाउ कम्स योर मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो आप करेंगे अराउंड 11:30 AM. और इसमें जनरली आपको या तो फ्रूट्स लेने हैं या कोई भी हेल्दी ड्रिंक लेनी है. आप एक बनाना ले सकते हैं, किसी दिन आप एप्पल ले सकते हैं, आप पॉमीग्रेनेट ले सकते हैं. यू कैन हैव कोकोनट वाटर, यू कैन हैव अ पेयर, यू कैन हैव बाउल ऑफ मिक्स फ्रूट सैलेड or you can have lemonade. Then comes the turn of your lunch जो आपको approximately 1:30 to 2 PM करना है. Day 1 पे आप लेंगे एक रोटी, दाल, vegetable and salad and curd. Day 2 पे आपका vegetable पुलाव, रायता and salad रहेगा. Day 3 पे आपको रोटी के साथ लेना है छोले, salad and curd. डे 4 पे होगा आपका वेजिटेबल दलिया, लौकी रायता एंड सैलेड. डे 5 है आपका रोटी, पनीर की सब्जी, सैलेड एंड कर्ड. डे 6 रहेगा चिकपी सैलेड एंड बटर मिल्क. एंड डे 7 है हाई प्रोटीन रोटी टाको, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. इवनिंग स्नैक में है 4 to 5 PM पे आपके लिए एक खाकरा आप ले सकते हैं. आप किसी दिन भेल बना सकते हैं ममरे की, जो रोस्टेड ममरा होता है. आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, उसे सॉल्टेड या मसाले वाला कर सकते हैं. आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं. यू कैन हैव रोस्टेड चना चाट या आप रोस्टेड चना ऐसे भी ले सकते हैं. आप हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं. और यू कैन हैव 4 मिक्स सीड्स एंड नट्स. एंड देन डिनर एट 7 to 7:30 PM. डे 1 है मिक्स वेजिटेबल सूप एंड सैलेड. डे 2 रहेगा पनीर भुर्जी, इसके साथ आप बोल ऑफ सैलेड लेंगे. डे 3 रहेगा दलिया सूप एंड सैलेड. डे 4 पे राइस एंड दाल पालक आप ले सकते हैं, जिसे आप सैलेड के साथ एंजॉय करिए. डे 5 विल बी सॉटेड वेजिटेबल बोल. Day 6 have vegetable khichdi with a lot of salad. And day 7 have mixed lentil soup or any other soup you like. And end your day with jeera water at around 10 PM. So दिस वॉज अवर वीक 6 प्लान और जितने डेडिकेशन के साथ अभी तक आप इसे फॉलो करते आए हैं, आगे भी आपको ऐसे ही करना है और धीरे धीरे अपनी उस गोल की तरफ, उस टारगेट की तरफ बढ़ते रहना है। एंड आई विल बी बैक सून विथ मोर वीडियोज़ एंड मोर प्लान्स। टिल देन टेक केयर।